क्या बात करते हैं सर? सब ब्रेक फेल हो गया है? आगे गोल माँ, तू बोलती क्यों नहीं माँ? आगे गोल माँ, मैं तेरा राजू। माँ माँ, आगे गोल माँ, तू बोलती क्यों नहीं? बेटी, अभी आंखें नहीं खोली थी। ये तुमसे बहुत दूर चली गई। मैं भी वहां जाऊंगा जहां मेरी माँ गई है। उसके सिवाय मेरा दुनिया में कोई नहीं है। है बेटे, है। आज से हम ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। हम तुम्हारे घर परवरिश करेंगे। रो मत। इस घर के अंदर तुम्हें जिंदगी की तमाम खुशियां मिलेंगी। तुम्हारी रगों में हमारा खून नहीं, लेकिन इस घर की दहलीज में कदम रखने के बाद दुनिया की नजरों में तुम्हारा वो मकाम होगा जो हमारे बेटे मान सिंह और हमारी बेटी पूनम को हासिल है। यह घर तुम्हें इज्जत देगा, लेकिन बेटे राजू, तुम्हें भी इस घर की इज्जत रखनी होगी। हा? क्या हुआ बेटी? भैया ने मुझे मारा। हाँ? मान सिंह, इधर आओ। क्यों इसको मारा? इसलिए कि नौकरों के साथ खेलती है। क्या हुआ अगर ये नौकरों के साथ खेली? नौकर इंसान नहीं है क्या? नौकर नौकर होते हैं डैडी, हम तो मालिक हैं। ये सब गलत बातें तुम्हें किसने सिखाई? हाँ? अच्छा आओ, इससे मिलो। राजू, मेरी बेटी पूनम, हाथ मिलाओ। जी, इतने गंदे बच्चे से हाथ मिलाती है? मान सिंह, डैडी आप इसे यहाँ क्यों लाए? हमारी गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो जाने से एक्सीडेंट में इसकी माँ की मौत हो गई। अब हमारे सिवा इसका कोई नहीं, आज से हमारे पास ही रहेगा। हाँ, हमारे साथ? ओ नो, मुझे तो इससे घिन आती है। नॉनसेंस, चल। दीनानाथ जी। जी सरकार। इस बच्चे को ले जाइए, ये मेरे साथ वाले कमरे में रहेगा, इसे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। जो हुकुम सरकार। जाओ बेटे। आओ बेटे। डैडी, अगर ये हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा तो हम नहीं खाएंगे। ये क्या बेहूदगी है? राजू कोई गैर नहीं, अब ये हमेशा हमारे साथ इस घर में रहेगा, तो मैं इसके साथ बैठकर खाना होगा। आई एम सॉरी डैडी। कोई बात नहीं, तुम लोग शुरू हो जाओ। Yeah.
राजू को मत मारो, मेरे राजू को मत मारो भैया। तुम्हारी जरूरत कैसी हुई हमारे बॉल से खेलने की? आइंदा अगर तुम्हारे पाँव ने हमारे बॉल को छुआ तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझे? राजू, मान सिंह, ये बॉल राजू को वापस कर दो। नहीं डैडी, ये बॉल हमारा है। हम तुम्हें ऐसे 10 बॉल ला के देंगे बेटे, ये बॉल राजू को दे दो। नहीं डैडी, ये हमारा हुक्म है। मैनेजर। यस सर। मान सिंह की बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये हमारा हुक्म भी नहीं मानता। हम नहीं चाहते कि यहां रहकर वो और भी जिद्दी और बदलिहाज बनते जाए। तुम कल ही इसे हॉस्टल में शिफ्ट कर दो। ओके सर। घर से दूर रहेगा तो मिजाज भी ठीक हो जाएगा। गुड बाय डैडी। गुड बाय बेटे। गुड बाय पूनम। गुड बाय भैया। मान सिंह, हाथ मिलाओ। मान सिंह, मैं कहता हूं हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। किस सोच में पड़ गए सरकार? हाँ, हमें एक खौफ ने घेर लिया। कैसा खौफ? मान सिंह की आदतें हमारे बिगड़े हुए भाई की तरह होती जा रही है। हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा भी उसकी तरह मगरूर, बदलिहाज और बदचलन बनकर जवान हो। अगर ठोकर किसी बेजान चीज को लग जाए तो वो भी दूर जा गिरती है। हम तो फिर इंसान थे, तुम्हारे भाई थे, तुम हमारे दिल पर पाँव रखकर चले गए और हमें ठोकर मारकर हमसे नाता भी तोड़ लिया, अपने हिस्से की जायदाद भी अलग कर ली। अलग जरूर की थी भाई साहब, लेकिन फिर अकल से काम लेकर वापस भी तो कर दी थी। वापस नहीं की थी, बेची थी हमारे हाथ, जिसकी कीमत हम एक बार नहीं कई बार अदा कर चुके हैं। कान खोल कर सुन लो, अब हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अपने खून की इतनी बेइज्जती मत कीजिए भाई साहब, आफ्टर ऑल इस घर का खोटा सिक्का भी बाजार में चलता है। किसी घरों के सामने हाथ फैलाऊंगा तो आपकी शान में हरफ नहीं आएगा। तुम अगर जानू में भी जाओगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज तुम्हें यहां से खाली हाथ जाना पड़ेगा प्रताप सिंह। तवाइफों के कोठों पर चढ़ने के लिए हम तुम्हें नोटों की सीढ़ियां नहीं दे सकते। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। हमने दिल को समझा लिया कि तुम हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं। मैं, आपने कहा था ना भाई साहब कि आपके लिए मैं मर गया हूं, मेरे लिए आप। लेकिन कितनी हैरत की बात है कि अभी तक हम दोनों जिंदा हैं। बकवास बंद करो। इस खानदान के टकसाल के तुम खोटे सिक्के हो। दबाओ जाओ, निकल जाओ हमारे घर से। आज इस घर से मैं नहीं भाई साहब, आप निकलेंगे शमशान घाट जाने के लिए। आज मैं आपकी जिंदगी आपसे छीन लूंगा। आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ। यू रास्कल। ये रिवॉल्वर तो अब सिर्फ एक खिलौना है भाई साहब, गोलियां तो मेरे पास है। जिंदगी छीनने के लिए बंदूक की जरूरत उस वक्त पड़ती है भाई साहब जब हाथों में ताकत ना हो। तुम अगर मुझे मारोगे तो फांसी का फंदा तुम्हें भी लगेगा। सब लोग जानते हैं कि आप दिल के मरीज हैं। सुबह जब आपको मुर्दा हाल में देखेंगे तो लोग यही कहेंगे, बेचारा दिल वाला था, दिल ने साथ ही नहीं दिया।
आजकल खोटा सिक्का ही बाजार में चलता है भाई साहब। मेरे बड़े भाई साहब सारी दुनिया के लिए देवता थे, लेकिन लेकिन मेरे लिए वो भगवान थे। दिल का रोगी ऐसा होता उनकी जान लेकर गया, वो मेरे भाई नहीं मेरे बाप थे। उन्होंने जिंदगी में आज तक मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। ये मेरा फर्ज है कि जिस तरह हमारे पिताजी के मरने के बाद स्वर्गवासी भाई साहब ने मुझे जितने प्यार से पाला, उसी तरह मैं इन बच्चों की देखभाल करूं। मेरा कुछ नहीं है, ये दौलत, ये जागीर, ये हवेली, सब कुछ इन बच्चों का है। मैं तो सिर्फ इनका रखवाला हूं। जाओ बच्चे, जाओ अपने अपने कमरे में जाओ। तुम्हारी वजह से डैडी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं तुम्हें ठोकरे मारकर घर से निकाल दूंगा। भैया इसे मत निकालिए, डैडी कहते थे इसका दुनिया में और कोई नहीं है, ये कहाँ जाएगा? जहाँ मर्जी जाए, पर अब मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं इससे नफरत करता हूँ। मान सिंह, रहने दो इसे। आजकल के जमाने में गुलाम नहीं मिलते और हमें गुलामों की बहुत जरूरत है। ये यही रहेगा, लेकिन इस घर में नहीं, अस्तबल में। और आज के बाद इसके जिस्म पर ये कीमती कपड़े नहीं होंगे, बल्कि वही चीथड़े होंगे जिन्हें पहनकर ये यहां आया था। Get out. अच्छा अच्छा, तो तुम इस घर से भागना चाहते हो? हाँ, भूल गए कि तुम इस घर के गुलाम हो। मैं गुलाम नहीं हूं। गुलाम नहीं हो तो हम तुम्हें बना देंगे बच्चे, समझे कि नहीं समझे? चल। नहीं सरकार, नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए सरकार, खुदा के वास्ते। तमीज, हमारा हाथ छोड़ो, तुम आ जाओ। उड़ते परिंदे के पर काटने जरूरी है। आइए छोटे मालिक, आइए, आपका घोड़ा बिल्कुल तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास। ए, इधर आओ। खान चाचा, आज से हम इसके पीठ पर पाँव रखकर ही सवार होंगे। झुक जाओ। मैं नहीं झुकूंगा। मैं कहता हूँ झुक जाओ। छोटे मालिक, इसकी पीठ पर गहरा जख्म है, आप अगर पाँव रखेंगे तो इस बेचारे को बहुत तकलीफ होगी। तुम चुप रहो, हम इसके पीठ पर पाँव रखकर ही चढ़ेंगे, ये हमारा नौकर है। झुकते हो क्या? नहीं। राजू बेटे, तू इस घर का नौकर है, मैं जानता हूं कि तुझे बहुत तकलीफ होगी बेटे, लेकिन मालिक का हुक्म मानना हमारा फर्ज है। झुक जा बेटे।
भागो, भागो। हमारे खून में एक खूबी है, प्यार करते हैं तो इंतहा तक और नफरत करते हैं तो भी इंतहा तक। पानी लाओ, जल्दी करो। करीब आओ। साफ करो इसे। इतना साफ करो कि हमारे जूते में तुम्हें अपनी शक्ल सूरत नजर आए। बस 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है और ठीक 12 बजे हमारे कुत्तों के खाने का वक्त होता है। आज तुम उनको खाना खिलाओगे। अगर 5 मिनट के अंदर तुमने हमारे कुत्तों को खुराक नहीं दी तुम उनकी खुराक बन जाओगे। भाग जाओ। जानवरों में रह के तुम्हारी आदतें भी जानवरों की तरह हो गई हैं। ये कुत्तों के पीने का पानी है। मेरी और इन कुत्तों की जिंदगी में कोई खास फर्क तो है नहीं पूनम जी। तुमने खुद ही अपने आप को इस तरह बना लिया है राजू। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है एक आजाद इंसान की तरह क्यों नहीं जिंदा रहते, और अगर नहीं जिंदा रह सकते तो भाग जाओ यहाँ से। कहाँ भाग जाओ? कहीं भी, यहाँ से दूर। इस घर के इंसानों ने तुम्हें नफरत के अलावा दिया ही क्या है। लेकिन आप तो उन लोगों में से नहीं है। जिस दिन मैं आपकी आंखों में नफरत देखूंगा उसी वक्त चला जाऊंगा, एक पल भी नहीं रहूंगा। हमारी बात छोड़ो, तुम अपनी जिंदगी यहाँ बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम्हारे दिल में कोई अरमान नहीं, तुम्हारा कोई सपना नहीं? आखिर तुम्हारा दिल चाहता क्या है राजू? दिल क्या चाहे कैसे बोलूं, ओ बात ये दिल की आके लबों पे जो रुक जाए मैं क्या जानूं। दिल क्या चाहे कैसे
छोड़ के तेरा दर यहाँ कहाँ जाऊँ, दिल की बेबसी कैसे तुझको समझाऊँ। छोड़ के तेरा दर यहाँ कहाँ जाऊँ, दिल की बेबसी कैसे तुझको समझाऊँ। अरे तुझको ना देखूं तो चैन कहीं ना आए, तुझको ना देखूं तो चैन कहीं ना आए। ओ बात ये दिल की आके लबों पे क्यों रुक जाए, मैं क्या जानूं दिल क्या चाहे, कैसे मांगे दिल दुआ जिसकी वो खुशी तू है, मैं तो जिस्म हूँ मेरी जिंदगी तू है। मांगे दिल दुआ जिसकी वो खुशी तू है, मैं तो जिस्म हूँ मेरी जिंदगी तू है। अरे तू मुझसे पिछड़े तो सांस मेरी थम जाए, तू मुझसे पिछड़े तो सांस मेरी थम जाए। ओ बात ये दिल की आके लबों पे क्यों रुक जाए, मैं क्या जानूं दिल क्या चाहे, कैसे तुझको क्या पता तेरे इश्क में क्या है, क्या जुनू है ये क्या नशा क्या मजा है। तुझको क्या पता तेरे इश्क में क्या है, क्या जुनू है ये क्या नशा क्या मजा है। तू देखे हंस के तो दर्द दवा बन जाए, तू देखे हंस के तो दर्द दवा बन जाए। ओ बात ये दिल की आके लबों पे क्यों रुक जाए, मैं क्या जानूं दिल क्या चाहे, कैसे आके लबों पे क्यों रुक जाए, मैं क्या जानूं दिल क्या चाहे, कैसे बोलूं ला 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 ला। शाबाश ये वाला मेरा शेर शाबाश, वाह मोती वाह मोती वाह, बस 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 वाह वाह। राजू क्या ये वही घोड़ा जो भैया ने बहुत कीमत देके खरीदा है? जी हाँ पूनम जी, बहुत अच्छी नस्ल का है, थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा, मुंह जोर है। हमसे भी ज्यादा इसका फैसला भला मैं कैसे कर सकता हूँ? तो हम कर देते हैं, तुम लगाम डालो, हम इस पे सवारी करेंगे। नहीं पूनम जी, ये खतरा मैं आपको लेने नहीं दूंगा, इसको काबू करना मुश्किल है,
मैं आपको आपका घोड़ा तैयार किए देता हूँ। तुम वही करो जो हम तुमसे कह रहे हैं। लेकिन पूनम जी देखिए इसमें खतरा। यह हमारा हुक्म है। हम भी देखते हैं कितना मुंहजोर है ये घोड़ा। लगाम छोड़ो राजू। नहीं पूनम जी, आपके कहने पर लगाम मैंने लगा तो दी है लेकिन छोड़ूंगा नहीं। हम कहते हैं लगाम छोड़ो। नहीं नहीं नहीं। तुमने हमारे कीमती घोड़े पर लगाम क्यों डाली? बोल। पूनम जी ने जिद की थी। वो तो नादान है, बच्ची है, मगर तुम्हें क्या? मेरी जान, कब से वादा कर रहे हो कि शादी करके किसी और मुल्क में जाके बसेंगे?
मगर मैं तो तंग आ गई इंतजार करते करते। सब्र करो मेरी जान, सब्र करो। कितना सब्र करूं? मेरी समझ में नहीं आता तुम उसका सारा पैसा एक साथ क्यों नहीं खींच लेते। ये ताश का नहीं मेरी जान, शतरंज का खेल है। इसमें दूर की सोचनी पड़ती है। इस पिल्ले का बाप मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन था। वो हरामजादा सब कुछ इसके नाम पर छोड़कर चला गया। जायदाद पर हाथ डालना नामुमकिन हो गया था, लेकिन लेकिन अब ये लौंडा जवान हो गया है और इसे मैंने अयाशी के सारे हुनर सिखा दिए हैं। और इसके पैसे निचोड़ने का बस यही एक तरीका है। तुम सिर्फ एक काम करो मेरी जान, मान सिंह की गोद में हर रोज एक नई नई लौंडिया गिराती रहो। बस एक बार 50 लाख रुपया हमारे पास जमा हो गया तो मैं और तुम मेरी जान यहाँ से यूं उड़ जाएंगे जैसे खजा में भागों से परिंदे उड़ जाते हैं। क्यों, कैसी कही? चल अब जगह मत तोड़ पो, अब मेरी जान, मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी। बाबा पहले तो सिर्फ जख्म लगते थे, आज इन जख्मों पर फूलों का मरहम कौन रख गया? पूनम बिटिया। पूनम कैसी हो बाबा, उसे चोट तो नहीं आई? वो तो ठीक है ना? पूनम यहां आई थी? नहीं वो तो नहीं आई, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि पूनम बिटिया को तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। बेटे वो बहुत अच्छी है, उसने तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे फूल भेजे हैं और तुम्हारी खैरियत भी पूछवाई है। और ये भी कहलवाया है कि राजू से कहो कि जब वो अच्छा हो जाए तो हमसे मिलने के लिए आए। सच बोल रहे बाबा, पूनम जी ने बुलाया है? और नहीं तो क्या, झूठ बोल रहा हूं? तुम्हें पूनम बिटिया ने बुलाया है? क्या मिलाओ, बहुत इनाम मिले। बाबा बाबा तुमने सचमुच सुना, पूनम जी ने वाकई बुलाया है? बेटे मैं ऊंचा नहीं सुनता हूं, तुम्हें पूनम बिटिया ने बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है। अब तुम्हारी मर्जी, मिलो या मत मिलो, पर मिलाओ तो अच्छा है। सजना सजना सजना
राजू तुम? मुझे खान बाबा ने कहा कि आपने मुझे बुलाया है। हाँ, लेकिन वहां तू खड़े हो, यहाँ हो हमारे करीब। जी जी नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। हम हुक्म देते हैं, यहाँ आओ। अब बताओ कैसे हो तुम? मेरी बात छोड़िए, आप तो अच्छे ना पूनम जी? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, खराश तक नहीं आई हमारे जिस्म पर। तुमने हमें बचाकर हमारे हिस्से के सारे जख्म अपने जिस्म पर जो ले लिए हैं। आपके हिस्से के जख्म मुझे मिल गए, इससे बड़ी और खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है? मेरा तो जी चाहता है कि जिंदगी भर ये जख्म कभी ठीक ना हो। क्यों? दरअसल बात यह है पूनम जी, इन जख्मों की वजह से ही आपने मुझे फूल भेजे तो मुझे ऐसे लगा जैसे जैसे मैं भी एक इंसान हूं। इस पत्थर के बने हुए महल में रहने वाले लोगों के दरमियान यूं लगा, एक ऐसा इंसान भी है जिसके सीने में दिल है, जिसके सीने में आज मेरे लिए जज्बात जागे, हो सकता है कल, हो सकता है कल। कल क्या? कल, कल आएगा तो बताऊंगा। कल किसने देखा है? कल कभी नहीं आता। लेकिन मेरा कल आएगा, और मेरे आने वाले कल में संगीत होगा, खुशियां होंगी, दुनिया भर की खुशियां होंगी, ये मेरा दिल कहता है। हाँ, हम भी दिल से यही चाहते हैं राजू, कि तुम्हें वो सब कुछ मिल जाए जो तुम चाहते हो। मुझे अच्छी तरह से याद है, आपके 2 लाख रुपए बाकी हैं। हाँ हाँ, 2 ही दिन में आपको मिल जाएंगे, मैं बस जरा मान सिंह से बात कर लूं। ओके। किसका फोन था चाचा? कासम भाई बुकी का फोन था, उसे 5 लाख रुपए फौरन चाहिए। 5 लाख? मेरे ख्याल में तो हमें सिर्फ 2 लाख रुपए देने थे उसे। अरे भाई, तुम्हें कुछ याद तो रहता नहीं मान सिंह, तुम्हें तो इतना भी याद नहीं कि बैंक में सिर्फ 1 लाख रुपया बाकी है। मगर 2 महीने पहले साहूकार से 10 लाख रुपए लिए थे, उसका क्या हुआ? वो तुम्हारी फिजूल खर्चियों के पर लगाकर उड़ गया। ऊंचे लोगों की ऊंची बातें होती है बकरदार। चाचा, जब तक हमारे खेत सोना उगल रहे हैं, खर्चे की फिक्र आप मत कीजिए, बल्कि दाद दीजिए। जाइए साहूकार से 10 लाख रुपए और ले आइए, दस्तखत हम किए देते हैं। 7 तार। किसका तार है चाचा? अरे भाई मुबारक हो, तुम्हारी मंगेतर का तार है, वो लंदन से आ रही है। सोनिया वापस आ रही है? सोनिया? हाय। व्हाट अ सरप्राइज। अचानक आपको देखकर हमारे दिल की धड़कन तेज हो गई है, ये देखिए। दिल संभाल के रखिए, अभी काफी दिन रहना है हमें यहाँ, इम्तिहान वगैरह खत्म करके आ रही हूँ, मगर इस वक्त बहुत नाराज हूँ तुमसे। क्यों क्यों? एयरपोर्ट लेने नहीं आ सकते थे तुम मुझे? अजी, उसका मौका ही कहाँ दिया आपने? अभी अभी आपका टेलीग्राम मिला और अभी अभी आप चली आई, ऐसे लगा जैसे आप प्लेन से नहीं टेलीग्राफिकली चली आई हो, बिजली की तरह। हेलो सोनिया, हाउ आर यू? पूनम, आई एम फाइन थैंक यू। भाई साहब, अब तो आपको मानना पड़ेगा, डैडी कितनी दूर तक देख लेते थे, जो कली उन्होंने आपके लिए बचपन में पसंद की थी वो कितना हसीन फूल बन के लौटी है। अरे भाई, आफ्टर ऑल भाई साहब किसके थे? थैंक यू, वेलकम वेलकम सोनिया। लेकिन तुम इतनी स्लिम कैसे हो गई? कुछ एक्सरसाइज करती हो? ओह नो, इन सब बातों का कोई शौक नहीं मुझे, सिवाय राइडिंग के। वंडरफुल, फिर आज शाम मेरे साथ राइडिंग पे चलोगे? ओह व्हाई नॉट। रामदेन जी साहब, राजू से कहो कि 2 घोड़े शाम के लिए तैयार करें। राजू तो बीमार है साहब, उसे जोर का बुखार। तो फिर खान से कहो। अच्छा साहब। बाबा। सलाम बेटी। बाबा, राजू की हालत कैसे हो गई? मालूम नहीं बेटी, पता नहीं कौन सी खुशी मिल गई इसे, बारिश में इधर से उधर, उधर से इधर छलांगे मारा था, जोरदार बुखार भी है बेटी और रात से बेहोश पड़ा है। तो जल्दी डॉक्टर को बुलाइए और कहिए कि हमने बुलाया है। बेहतर है। पानी, पानी। राजू, राजू, राजू पानी लो, राजू पानी पी लो, राजू
पूनम जी आप यहाँ? क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? लो पानी पियो। आखिर ऐसी कौन सी खुशी है जिसकी वजह से तुम दीवानों की तरह बारिश में भीगते रहे? बोलो। जिसके इंतजार में मैं बरसों कांटों पर सोता रहा, जिसके लिए मैंने इस घर की दहलीज को नहीं छोड़ा। आखिर वो खुशी है क्या? वो खुशी का नाम प्यार है। किसका प्यार? वो मान सिंह, एक बात मानो, अब जब सोनिया यहाँ आई गई है तो क्यों ना तुम दोनों आपस में शादी कर लो, हा? फिर इसके मम्मी डैडी को यहाँ बुलाकर कोई अच्छा सा मुहूर्त भी निकलवा लेते। चाचा, हम तो पिछले जन्म से ही तैयार बैठे हैं। पूछ लीजिए सोनिया से, इनका भी शायद यही हाल है। मगर मैं समझता हूँ कि पूनम की शादी अगर पहले हो जाए तो बेहतर नहीं होगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं यही चाहूंगी, उसके लिए कोई रिश्ता देखा या नहीं? एक लड़का देखा है हमने, बहुत ही दौलतमंद, ऊंचे खानदान का। मगर वो लड़का है कौन? क्या हो पूनम को? साथ ने डस लिया। और तो हमें इतनी देर से बता रहा है, अब तक तो जहर फैल कर जहर मैंने चूस कर फेंक दिया। अगर पूनम को कुछ हुआ तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। कोई है? जल्दी फोन करो डॉक्टर को। कोई जरूरत नहीं, हम आ गए। डॉक्टर साहब आप? हाँ। आपको किसने इत्तला दी? मुझे पूनम ने बुलाया था राजू को देखने के लिए। राजू को? आइए। की कोई बात नहीं, शी इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। ओके, मैं चलता हूं। थैंक यू डॉक्टर साहब। पूनम जी तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, लेकिन राजू, जहर की वजह से तुम ये गोलियां खा लो, और अगर तुमने ये गोलियां ना खाई तो जो खतरा पूनम को था वो तुम्हारी जिंदगी के साथ हो सकता है, समझे? वेल डन बॉय। राजू। हाँ? तुम्हें साहब ने बुलाया। मनहूस हाथों पर हमारे फूल जैसे कोमल बहन को कहां से उठाकर लाया था? बोल। जो इतना समझते भी नहीं, जान बचाने वाले को इनाम देते हैं, सजा नहीं।
हमसे पूछिए, हमें सांप ने डसा था अस्तबल में। तुम अस्तबल गई थी? जी हाँ, राजू को बुखार था, हम उसे देखने गए थे। यानी कि एक मामूली नौकर को देखने तुम खुद चलकर गई थी वहाँ? राजू इस घर का नौकर नहीं, डैडी से अपने सीने से लगा कर लाए थे। खामोश। वैसे भी इसने आपकी पूनम की जान बचाई है, एक बार नहीं दो बार। हमारी जिंदगी का हर एक सांस राजू का एहसान मंद रहेगा। कैसा एहसान? मालिक की हर चीज का ख्याल रखना नौकर का फर्ज बनता है। मैंने कभी भी इस घर में अपने आप को नौकर नहीं समझा है। तो फिर क्या समझता है अपने आप को? बोल क्या समझता है? आपके पिताजी मुझे अपना बना के लाए थे, आपने मुझे नौकर बना दिया। अगर एक लफ्ज भी जुबान से बाहर निकाला हो तो मैं जुबान काट कर फेंक दूंगा। जाओ यहां से। भाई साहब, राजू तुम प्लीज यहां से चले जाओ। आप सुना करते थे कि इंसान गुलाम हुआ करता था, कैसा होता था ये तुम्हें देखकर अंदाजा हो गया। ये दवा है तुम्हारे जख्मों के लिए। इसकी क्या जरूरत थी मेम साहब, मैं तो इन जख्मों का आदी हो चुका हूं। खूबसूरत हो, जवान हो और बाजुओं में ताकत भी है, फिर क्यों गुलाम बनकर कैद हो? चले क्यों नहीं जाते यहां से? शाक कांटों को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती है मेम साहब कि उस पर कांटों के साथ साथ फूल भी खिलते हैं। मैं भी उसी शाक की तरह हूं जो प्यार के फूल की खातिर जुल्म और नफरत के कांटे भी बर्दाश्त कर रहा हूं। इस महल में रहने वाला हर इंसान पत्थर है, और अगर पत्थरों से प्यार करते रहोगे तो एक दिन इन्हीं से टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। आप ये सब कुछ मुझसे क्यों कह रही हैं? मेरी एक बुरी आदत है, जो मुझे अच्छा लगता है उसे अच्छा कह देती हूँ, और जो बुरा लगता है उसे बुरा कहकर मुंह मोड़ लेती हूँ। तुम्हारी तरह घुट घुट कर जीती नहीं, अगर जीना है तो एक आजाद इंसान की तरह जीना सीखो। जो जुबान पर आए कह दो, जो दिल चाहे कर डालो। जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, समझे? जीना है तो एक आजाद इंसान की तरह जीना सीखो। जो जुबान पर आए कह दो, जो दिल चाहे कर डालो। जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, जीना है तो एक आजाद इंसान की तरह जीना सीखो। जो जुबान पर आए कह दो, जो दिल चाहे कर डालो। जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। तुम इस वक्त यहाँ? इस तरह आने की मैं आपसे माफी चाहता हूँ। क्या बात है? मुझे आपसे कुछ कहना है। ऐसी क्या बात है राजू जिसका तुम सुबह तक इंतजार नहीं कर सके? ये रात ना जाने कितनी सुबहों के इंतजार के बाद आई है। सोचा जो दिल में हौसला जागा है कल सुबह तक सो ना जाए। हम तुम्हारी हर बात सुनेंगे, लेकिन इस वक्त अगर इस वक्त मैं कुछ ना बोला तो मेरा दिल सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। मैंने इस घर में बहुत जुल्म सहे हैं, बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन इन जख्मों पर मरहम सिर्फ तुमने लगाया पूनम, सिर्फ तुमने। राजू। हाँ पूनम, हाँ। दुख, नफरत, गालियां मैं इसलिए हंस के बर्दाश्त नहीं करता कि इसकी वजह मेरी बुजदिली है, इसकी वजह तुम्हारा प्यार है, तुम्हारी मोहब्बत है। मैं जानता हूँ इस घर में मेरी कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है, लेकिन क्या करूं? ये कमबख्त दिल ऊंच नीच को मानता ही नहीं है। अगर तुम्हें यकीन ना हो ना तो मेरा सीना फाड़ कर देखो। इस दिल में इतना खून नहीं है जितना कि तुम्हारा प्यार है। इस दिल पर सिर्फ एक ही नाम है, सिर्फ एक ही नाम है, वो है तुम्हारा, तुम्हारा पूनम। हाँ चुप हो जाओ राजू, चुप हो जाओ। इस मोहब्बत का यकीन किसे दिला रहे हो? उसे जो पहले तुम्हें दीवानों की तरह चाहती है, जो बर्दाश्त तुम्हारे होठों पर आई है वो कई बार उभर के हमारे दिल से आई, लेकिन हम कह नहीं पाए।
आज हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि इस दिल में सिर्फ एक ही नाम लिखा है और बचपन से एक ही नाम लिखा है और वो है राजू। दुनिया को ये बता देगी कि तुमने इस मामूली नौकर का खून सिर्फ इसलिए किया कि उसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला। बदनामी अलग होगी, फांसी अलग होगी। अब कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं चाचा, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते वो नहीं देख सकते। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। नहीं मानसिंह, नहीं। देखो तुम इस रामसाधु को मारना चाहते हो ना, तो इस तरीके से मारो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसे मारने का रास्ता हम तुम्हें बताएंगे। हाँ हाँ मानसिंह, चलो चलो। देखो बाबा, मैं अपने हाथों से आपके लिए क्या क्या बनाकर लाया हूँ। क्या बात है, आज मेरा बेटा बहुत ही खुश है। कोई दौलत मिल गई क्या? जिंदगी में मुझे जो कुछ भी चाहिए था आज मिल गया।
अब कोई भी ख्वाहिश बाकी नहीं रही। खुदा का शुक्र अदा करो बेटे और दुआ करो कि मेरी भी एक ख्वाहिश पूरी हो जाए। आपकी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई? बेटे आज तक ये ख्वाहिश मैंने कभी किसी को बताई नहीं। जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार हज करने की ख्वाहिश है, लेकिन मैं ठहरा गरीब आदमी, हज का सवाब शायद मेरे नसीब में नहीं है। मालिक से और इस कुत्ते को किसी दरिया में डाल दो। को मत मारो बाबा, मैं पूनम हूँ बाबा। राजू कहाँ है? पूनम, मालिक ने राजू को मार मार कर जान से मार डाला। नहीं, नहीं। हाँ बेटी नहीं। और मार कर उसे दरिया में फेंक दिया। ये खून देख रही हो? ये खून राजू का है बेटी, ये खून राजू का है, ये राजू का खून है बेटी। इस हाथ पे लगे हुए खून को पहचानते हैं भाई साहब? हम इस खून का हिसाब मांगने आए हैं। तमीज से बात करो, हम तुम्हारे भाई हैं। कातिल हैं आप हमारी खुशियों के। क्या वक्ती हो? राजू कहाँ है? मर चुका है वो। नहीं, जब तक हमारे सीने में सांस चल रही है राजू नहीं मर सकता भाई साहब। खामोश। वो जिंदा है इसलिए कि हम जी रहे हैं। बदतमीज। पूनम, पूनम, दरिया की मौजें हार गई, हमारी मोहब्बत जीत गई। हाँ, हमारी मोहब्बत जीत गई। हाँ। राजू। ये हया पकड़ उसे, उसे ऐसी मौत दो कि इसकी रूह भी कांप ले। नहीं, नहीं। ले जाओ इस हराम साधे को और डाल दो इसे खून का कुत्तों के आगे। पूनम। राजू को मत मारो। नहीं क्यों भैया? नहीं पूनम, नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ दो, तुझे छोड़ दो। पूनम। राजू खामोश मत, तुम्हें भैया राजू जाओ भैया चलो। प्रताप सिंह, अपने बड़े भाई के कातिल, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। एक दिन तेरा जुल्म तेरे सामने जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। ये कमबख्त इतना बड़ा राज कैसे जान गया? इसे जिंदा नहीं बचना चाहिए, वरना इसकी जबान किसी भी वक्त मेरे गले में फांसी का फंदा डाल देगी। जाओ। नहीं, मेरे राजू को छोड़ दीजिए, मेरी जान ले लीजिए, मगर मेरे राजू को छोड़ दीजिए भैया। बैठ जाओ उधर। Oh, my God.
ये क्या किया तुमने? स्टॉप इट गर्ल। एक इंसान को कुछ हैवान मार रहे हैं। मैंने इंसानियत की मदद की है। बदतमीज भाई से जुबान लड़ाते। सरकार, सरकार, राजू ने तमाम कुत्तों को मार दिया। क्या बकते हो? सच कह रहा हूँ सरकार। अब मैं देखता हूँ कि कौन उसे बचाता है। नहीं, हम आपको ये नहीं करने देंगे। हट जा। आपको राजू की जान लेने से पहले हमारी जान लेनी होगी। हट जा मेरे रास्ते से। नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। हमने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा। आज हम आपसे राजू की जिंदगी की भीख मांगते हैं। भाई साहब, प्लीज भाई साहब। उसके लिए हमारे पास सिर्फ मौत है। होश से काम लीजिए भाई साहब। राजू की मौत इस घर के खानदान और इज्जत की मौत होगी। आज ये घर जानता है, कल सारा जमाना जानेगा कि राजू को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि हम उससे प्यार करते थे। पूनम, दो प्यार करने वालों को मार दिया जाए तो कहानी खत्म नहीं हो जाती, हमेशा के लिए अमर हो जाती है। भाई साहब याद रखिए, ये बदनामी का दाग राजू के मरने से मिटेगा नहीं, और गहरा हो जाएगा, और गहरा हो जाएगा। सिर्फ एक सूरत में राजू को जिंदगी मिल सकती है कि वह हमारे घर की दहली छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए कहीं दूर, इतने दूर जितना जमीन से आसमान। जिस दिन आपकी आंखों में नफरत देखूंगा उस दिन यहां से जरूर चला जाऊंगा, एक पल के लिए भी नहीं रहूंगा। जिस दिन आपकी आंखों में नफरत देखूंगा, जिस दिन आपकी आंखों में नफरत देखूंगा। और अगर वो यहां से चला जाए हमेशा के लिए तो हम उसकी जान बख्शी का वादा करते हैं। पूनम, 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 मैं आ गया हूं। एक बार फिर मौत को हरा दिया है मैंने। मुझे थाम लो पूनम, मुझे थाम लो। अगर मैं गिर गया तो प्यार के दुश्मन ये ना समझे कि हमारे प्यार के कदम डगमगा करें। थाम लो मुझे पूनम, मुझे थाम लो। बंद करो अपनी बकवास और दूर हो जाओ हमारी नजरों से। हम तो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे मजाक को तुम सच्चाई का रूप देके हमें बदनाम कर दोगे। मजाक? हाँ हाँ मजाक, बेवकूफ बनाया था हमने तुम्हें। पूनम, पूनम जी कहो, अपनी औकात पहचानो। तुम एक मिट्टी का जर्रा हो और हम आसमान पे चमकता हुआ सितारा। तुम्हारा हमारा मेल क्या? ना ऊंचा खानदान, ना ऊंची जात, ना दौलत, ना माँ का पता, ना बाप का। हमारे इस इतने बड़े घर में तुम्हारे जैसे छोटे आदमी के लिए कोई जगह नहीं। तुम भी पूनम, तुम भी। हाँ हाँ हम भी। तुमने जो हमें अपनाने के लिए झूठे ख्वाबों के महल बनाए हैं उन्हें तोड़ देने के लिए हमारा यह फैसला ही काफी है, समझे? समझा, समझा। पूनम के माथे पे सुहाग का टीका वो लगाएगा जिसके हाथों में जमाने की दौलत होगी। ये पूनम उसको अपनाएगी जो आसमान का चांद होगा, तुम्हारी तरह गंदी नाली का कीड़ा नहीं। तुम यहां से चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। Thank you.
अपनी जबान से सच्चाई का वो जहर उगला है कुत्ते, कि अब अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाए तो हो सकता है वही जहर मुझे फांसी के फंदे तक ले जाए। मारो शरमजादे को।
इतना मारो किसकी हड्डियां चूर चूर होकर सुरमा बन जाए। मारो। काम हो गया, चलो। मुझे यहाँ कौन लाया? पहले हमारे सवाल की जवाब दो। तुम कौन हो? मैं राजू। तुम्हारा बाप कौन है? क्या नाम है? बोलो, कौन है तुम्हारा बाप? जवाब दो। जगदेव सिंह। जगदेव सिंह? आप इस तरह चौंके क्यों? सामने देखो, तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे पिताजी की तस्वीर आपके यहां? कौन है आप? हम तुम्हारे बाप हैं जगदेव सिंह। हमें तुम्हारी जिंदगी में हक था, इसलिए हमने अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ तुम्हारी शादी तय की, लेकिन तुमने हमारी बात की इज्जत नहीं की और हमें बगैर बताए इस लड़की को बीवी बना के इस घर में ले आए। हम इस शादी को हरगिज मंजूर नहीं कर सकते। ये एक बेसहारा लड़की है पिताजी, शिकार खेलते हुए मैं जख्मी हो गया। अगर ये दिन रात मेरी सेवा ना करती, मेरी देखभाल ना करती, तो शायद आज मैं जिंदा ना रहता। हम एहसानमंद हैं इस लड़की के, जिसने तुम्हें नई जिंदगी दी, लेकिन नई जिंदगी देने का मतलब ये नहीं कि हमसे हमारा बेटा छीन ले। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इसे एक बड़ी रकम दे के छोड़ दो, भूल जाओ इसे। कितनी आसानी से आपने कह दिया कि इसे भूल जाओ, इसे छोड़ दूं। इसे रकम की जरूरत नहीं है, मेरे सहारे की जरूरत है, क्योंकि ये मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। ठीक है, बच्चा होने तक ये हमारे हिल स्टेशन वाले बंगले में रह सकती है, लेकिन बच्चा होने के बाद तुम्हें इससे नाता तोड़ना होगा। मैंने इससे नाता तोड़ने के लिए नहीं जोड़ा था। तो फिर हम तुमसे नाता तोड़ लेंगे। एक बात याद रखना, अगर हमारी बात मानोगे तो हम तुम्हारे हैं, ये घर तुम्हारा है, हमारा सब कुछ तुम्हारा है। और अगर इस लड़की को बीवी मानोगे तो फिर ना हम तुम्हारे हैं ना ये घर। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, अगर कुछ चाहिए तो आपका प्यार, आपकी दुआएं। अब तो सब कुछ ये मेरी है, मेरा होने वाला बच्चा मेरा है। चलो गीता। गुस्से में हम उसे न जाने क्या क्या कह बैठे। उसके बाद हमने उसे बहुत ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिला। कहां है वो नाले? जब मैं 3 साल का था वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और तुम्हारी माँ? 10 साल की उम्र में
माँ भी चली गई। तो फिर तुम इतने साल रहे कहाँ? लाल हवेली, जहाँ का रहने वाला हर इंसान अपने सीने में दिल नहीं पत्थर रखता है। जिसके लिए मैं जिंदगी भर जख्म खाता रहा, जीता रहा, वो भी पत्थर की निकली। उस हवेली का हर आदमी मुझे खिलौना समझकर मेरे साथ खेलता रहा, लूटता रहा, और मैं टूटता रहा, बिखरता रहा। लेकिन अब जब तक मैं उनकी एक एक खुशी न छीन लूं, चैन से नहीं जीऊंगा। मेरे दिल की आग कभी नहीं बुझेगी दादाजी, कभी नहीं बुझेगी। हाँ हाँ मेरे बच्चे, तुम क्या समझते हो? तुम्हारे जिस्म पर जुल्म के निशान देखकर क्या हम पे कयामत नहीं टूटी? कलेजा फट गया हमारा। हमें बताओ, वो जालिम खानदान कहां बसता है? हम तुम्हारे साथ मिलकर उनसे तुम्हारे एक एक जख्म का हिसाब मांगेंगे। बंदे को मुबारक अली कहते हैं। मैं आपके पास राय बहादुर राजदेव सिंह की तरफ से आया। राय बहादुर राजदेव सिंह? आप उन्हें जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं। मैं उनकी तरफ से बीच का आदमी बन के आया हूँ। आप मुझे दलाल भी कह सकते हैं, लेकिन दलाल लफ्ज कुछ काफी बदनाम हो चुका है, इसलिए आप मुझे मिडमैन कह सकते हैं। मगर आपके यहाँ आने का मकसद नहीं समझा मैं। मकसद मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपने जिन लोगों से बेहिसाब कर्जे लिए थे, उन लोगों ने आपकी डगमगाती हुई शान और शौकत को देखा और घबरा कर आपके कर्जों के सारे कागजात हमारे राय बहादुर साहब को भेज दिए। आपके राय बहादुर साहब को हमारे कर्जों के कागजात खरीदने की क्या जरूरत थी? मिडलमैन के कहने पर, यानी कि मेरे कहने पर, मैंने राय बहादुर के कंधे पे हाथ रखा और उनसे कहा कि ये कागजात खरीद लीजिए, बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। और फिर ये कागजात किसके कागजात हैं? एक महान हस्ती ठाकुर मान सिंह के कागजात हैं। कर्जे के कागजात हुए तो क्या हुआ? बस अकलमंद को इशारा काफी था, उन्होंने सारे कागजात खरीद लिए। आज मुझे आपके पास सिर्फ इसलिए भेजा है कि आप जल्द से जल्द वो कर्जे की रकम अदा कर लें। आई सी। जनाब किस सोच में पड़ गए? इस वक्त मेरे हाथ में इतनी रकम खाली नहीं है, अगली फसल तक आपको इंतजार करना होगा। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं बीच का आदमी हूँ ना, और बीच के आदमी को हर बात का पता होता है, लेकिन सिर्फ बीच का ही आदमी हर उलझन को सुलझा सकता है। तो फिर क्या आप ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे हमारी इज्जत पर हर्फ ना आए? हुजूर, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, आप हमारी सलाह पे धंधा कीजिए। देखिए, आजकल मार्केट में कॉटन का भाव बिल्कुल गिर गया है, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर वही भाव आसमान को छूने लगेगा। अगर आप इस वक्त 50-60 लाख रुपया मार्केट में डाल दें और कॉटन को कॉर्नर कर लें, तो 2 महीने के अंदर अंदर मुनाफा ही मुनाफा। मगर हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि इस वक्त हमारे पास इतना सरमाया नहीं है। हम ये भी जानते हैं, लेकिन हम जिसके कंधे पे हाथ रख देते हैं उसके अंधेरे उजाले में बदल जाते हैं, क्योंकि लोगों को कंधा देना तो हमारा खानदानी पेशा है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि लोगों के कंधे पे हाथ रखना हमारा खानदानी पेशा है, क्योंकि हम जिसके कंधे पे हाथ रख देते हैं, मानिए उसके धंधे पे भी हाथ रख देते हैं। 60 लाख रुपया हम आपको दिलवाएंगे राय बहादुर से, आपको सिर्फ अपनी एक जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। मगर एक बात बताइए जी, आप ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? कमीशन लूंगा, 1% कमीशन लूंगा, क्योंकि ये पहला सप्ताह है ना, इसलिए। और आपके राय बहादुर साहब इतनी बड़ी रकम देने पे राजी कैसे हो जाएंगे? हुजूर, बड़ी रकम आपके लिए है, हमारे लिए तो मामूली रकम है। और फिर आज तक राय बहादुर ने हमारी कोई भी बात टाली नहीं है। सौदा पका कीजिए, चिंता मत कीजिए, और हाथ मिलाइए बस। वो क्या कहते हैं कि औरों के पैसों पे धंधा कर तू खोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब जैसे ही वो कॉटन खरीदे जी, बाजार में कॉटन का भाव बढ़ा दो। लेकिन अगर बाजार में कॉटन में तेजी आ गई और अगर उसने कॉटन बेच दिया तो उसको तो बहुत भारी मुनाफा हो जाएगा और आपको नुकसान।
ये बात तुम नहीं समझोगे। पहले सौदे में उसे मुनाफा होना ही चाहिए। चीज़। चीज़। भाई इतना बड़ा मुनाफा, इतना फायदा, हम तो अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। मुबारक अली जी, तुम्हारी सलाह और राय साहब का रुपया, ये दोनों चीजें हमारे हक में खुशकिस्मती लेकर आई है। ठाकुर साहब, ये तो पहला सौदा है। अगर आप चाहेंगे तो हम हमारे कारोबारी तजुर्बे का निचोड़ हमेशा हमेशा आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे भाई, इतना बड़ा मुनाफा होने के बाद हम लोग हाथ पे हाथ रख के थोड़े बैठे रहेंगे। जी, करेक्ट। देखो भाई जी, कारोबार के सिलसिले को आगे तक बढ़ाना होगा, मगर इससे पहले जल्द से जल्द हम राय साहब से मिलना चाहेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप दावत दीजिए, मैं उनको लेके आ जाऊंगा। तो फिर हमारा दावतनामा उन तक पहुंचा दो, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। विल वेलकम हिम विद द रेड कार्पेट। हमारे साहब राय बहादुर राजदेव सिंह। चलिए हुजूर, मैं आपका तारुफ करा दूं। ठाकुर मान सिंह। वेलकम। मैं कहता हूं हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। बहुत भारी हाथ हैं आपके, क्या काम लेते रहे इन हाथों से? इन हाथों से चाबुक बहुत बरसाए हैं अपने घोड़े पर। उस वक्त घोड़े की लगाम आपके हाथों में होगी, वरना आजाद घोड़े को चाबुक तो क्या हवा भी नहीं छू सकती। आप इतने गौर से क्यों देख रहे हैं हमें? कौन है आप? मुबारक अली, ठाकुर मान सिंह ना जाने हमें क्या समझ बैठे हैं। आप ठाकुर प्रताप सिंह, ठाकुर मान सिंह के चाचा। फिर तो ये बड़ी बाइज्जत हस्ती हैं। ये चाचा का रिश्ता भी बड़ा बदनाम रिश्ता है। जमाना कहता है कि चाचा अक्सर अपने भाई और उसकी औलाद का दुश्मन होता है। आपका क्या ख्याल है ठाकुर प्रताप सिंह? प्रताप सिंह साहेब, ये झूठ है। झूठ के तो पाँव नहीं होते। अरे हाँ, आपके तो हैं। हेलो, आई एम सोनिया। बहुत खूबसूरत है नाम आपका, बिल्कुल आपकी तरह। थैंक यू। और ये है, ठहरिए सोनिया जी। हम बताते हैं ये कौन है। ये ठाकुर मान सिंह की बहन है। मगर आपने कैसे पहचाना? इतने करीब आकर तो पहचान हो ही जाती है। क्या नाम है आपका? आप हमें अपना नाम बता सकती हैं? पूनम। बहुत खूब, चांद की रात जैसा नाम है आपका। और आप? मैं ठाकुर युवराज सिंह हूं, पूनम का मंगेतर। ये
तुम एक मिट्टी का जर्रा हो और हम आसमान पे चमकता हुआ सितारा। तुम्हारा हमारा मेल क्या? ना ऊंचा खानदान, ना ऊंची जात, ना माता पिता, ना बाप का। पूनम के माथे पे सुहाग का टीका वो लगाएगा जिसके हाथों में जमाने की दौलत होगी। ये पूनम उसकी होगी जो आसमान का चांद है, तुम्हारी तरह गंदी नाली का कीड़ा नहीं। आपकी सोच में पड़ गए हैं राय बहादुर साहब। युवराज साहब, आपकी किस्मत को देखकर तो हमें रश्क आता है। आप वाकई आसमान के चांद हैं। पूनम आपकी नहीं होगी तो और किसकी होगी? आइए राय बहादुर साहब, खाना तैयार है। डैडी, अगर ये हमारे साथ बैठकर खाना खाएगा तो हम नहीं खाएंगे। ये क्या बेहूदगी है? राजू कोई गैर नहीं, अब ये हमेशा हमारे साथ इस घर में रहेगा। तुम्हें इसके साथ बैठ के खाना होगा। आई एम सॉरी डैडी। हम खाना नहीं खाएंगे ठाकुर, लेकिन आज की शाम तो आपके नाम है। ये सारा तमाम आपके लिए किया गया है। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, हम ऐसे लोगों के साथ खाना नहीं खाते जिनसे हमारी पहली मुलाकात हो। बुरा मत मानिएगा, हम बड़े लोगों के बड़े दुश्मन हैं, लेकिन हम बच के रहना चाहते हैं। मुबारक अली जी, ये आप हमें कैसी जगह पर ले आए? लगता है कि हम ठाकुर मान सिंह की हवेली नहीं बल्कि किसी कब्रिस्तान में आ गए हैं। कमाल है, हम ही बोले जा रहे हैं और सब खामोश हैं। हमें ये महसूस हो रहा है कि शायद हमारा यहाँ पर आना इन लोगों को पसंद नहीं आया। मेरे ख्याल में आपको बता ही दिया जाए तो अच्छा है। ये सब लोग आपको देखकर हैरान इसलिए हैं क्योंकि आपकी शक्ल एक ऐसे आदमी से मिलती है जिसके बारे में सुना गया था कि वो चला गया है। उसका नाम राजू था, वो इस घर में सईस था। What? सईस? आप मजाक उड़ा रही हैं क्या हमारा? ये मजाक नहीं, हकीकत है। बहुत हो चुका, वही सूरत, वही आवाज, तुम यकीनन राजू। मान सिंह, अपनी जबान को लगाम दो। एक मामूली नौकर के साथ मिला रहे हो हमें? खूब इज्जत की आपने हमारी, कहां की इज्जतदार हैं आप लोग? आपको बड़े लोगों के साथ बात करने का सलीका तक नहीं मालूम? अफसोस कि हमने आप जैसे आदमी की दावत कबूल की और अपना कीमती वक्त जाया किया। मुबारक अली जी, चलो। आपने धूप में सफेद किए हैं अपने बाल, झूठ बोलते हैं आप। गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है आपके आदमियों ने। अगर उन्होंने राजू को खत्म कर दिया था तो यह आदमी कौन था? कौन था ये? ओहो, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है मान सिंह। ये शख्स स्वाय राय बहादुर राजदेव सिंह की और कोई नहीं। जरा सोचो, राजू जैसा मुफलिस और बेसहारा इंसान इतनी जल्दी करोड़पति कैसे बन सकता है? और फिर जिस इंसान पर हमने बेइंतहा जुल्म किए हो वो हमारी मदद क्यों करेगा? हा? हमें करोड़ों रुपयों का कर्जा क्यों देगा? और फिर इस खबर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? इसको देखने के बाद भी तुम्हें क्या कोई सबूत चाहिए कि राजू मरा है या नहीं? ठाकुर मान सिंह की बहन की मंगनी किस खानदान में हुई? कौन लोग हैं वो? साहब, बड़े लोग ही बड़े लोगों को माथे का टीका बनाते हैं। पूनम बिटिया की मंगनी जयमल सिंह के बेटे से हुई है। वो रायगढ़ के बहुत बड़े जमींदार हैं साहब, बहुत बड़ी हैसियत है उनकी। और सुना है कि शादी इतने धूमधाम से होगी कि सारी दुनिया देखेगी। अच्छा, हम भी देखेंगे। क्यों नहीं साहब, आप भी जरूर शामिल होंगे, आप भी बड़े आदमी हैं। खान बाबा, हमने तुम्हें यहां बुलाकर बहुत तकलीफ दी। मुबारक जी। जी। ओ यस। ये लो तुम्हारी बख्शीश। इतने ज्यादा रुपए? इतने रुपयों का साहब मैं क्या करूंगा? तुम्हारी जिंदगी की ख्वाहिश थी ना, तुम हज पे जाना चाहते थे, जाओ। आपको मेरी ख्वाहिश का कैसे पता चला? ये बात तो सिर्फ एक आदमी जानता था, राजू साहब। क्या राजू जिंदा है? देखिए साहब, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे हज नहीं करना, आप ये सारे पैसे ले लीजिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए राजू जिंदा है। मैं मिन्नत करता हूं साहब, मिन्नत करता हूं, बता दीजिए मुझे राजू जिंदा है। राजू,
बाबा मैं जिंदा हूं। राजू, राजू मेरे बच्चे, मेरे बेटे राजू, तू जिंदा सही सलामत है मेरे बेटे। खुदा का लाख लाख शुक्र है, मेरा राजू, मेरा राजू जिंदा है, सही सलामत है। बाबा तुम हज करने जरूर जाओगे? हाँ बेटे, अब तो मैं जरूर जाऊंगा। खुदा ने तुझे सलामत रखा है ना, उसका शुक्रिया अदा करने जरूर जाऊंगा बेटे। मेरे लिए भी एक दुआ करना कि मेरे दिल की हसरत पूरी हो जाए। पागल हो गई हो तुम? मैंने राजू को भी देखा है और राय बहादुर को भी, दोनों में उतना ही फर्क है जितना सच और झूठ में। ये फर्क उनके लिए होगा जो झूठ और सच को नहीं समझते। मेम साहब, आपसे कोई मिलना है? जी, मैं राय बहादुर राजदेव सिंह की तरफ से आया हूँ, उन्होंने ये फूल भिजवाए हैं। उनसे कह दीजिए इस घर में फूलों की कोई कमी नहीं। माफ कीजिए, आपको शायद कोई गलत फहमी हो रही है, फूल उन्होंने आपके लिए नहीं सोनिया जी के लिए भेजे हैं, कबूल कीजिए। आर यू श्योर ये फूल मेरे लिए भेजे हैं? ऑफ कोर्स, उन्होंने ये भी कहा है कि इस हवेली में आप ही एक हस्ती है जिनसे वो मुतासिर हुए हैं, और ये पूछवाया है कि अगर आपको कोई इतराज ना हो या कोई पाबंदी ना हो तो क्या उन्हें मुलाकात का मौका दे सकती हैं? मेरी तरफ से इन खूबसूरत फूलों का शुक्रिया अदा कीजिए और उनसे कहिए कि मैं उन्हें जरूर मिलूंगी, उनसे मिलकर मुझे बेहद खुशी महसूस होगी। आपका ये पैगाम आप ही के लफ्जों में उन तक पहुँचा दिया जाएगा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। देखो कितने खूबसूरत फूल हैं, फेंक दो इन फूलों को सोनिया, हमें इनमें इंतकाम की चिंगारियां नजर आ रही हैं। इस तरह क्या देख रहे हैं ठाकुर प्रताप सिंह? पहचाना नहीं हमें? राय बहादुर राजदेव सिंह, आप इंसान नहीं राय बहादुर साहब, आप देवता हैं। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान? एहसान कहा, ये तो हमारा फर्ज था। लेकिन ठाकुर साहब ये तो बताइए, कौन थे ये लोग जो आपकी जान लेना चाहते थे? आप जानते हैं लोगों को? नहीं, हाँ। मैं नहीं जानता कि ये लोग। अच्छा, ये लोग कौन थे? याद कीजिए कि आपने भी कभी ऐसी कोई भूल की हो या आपने भी किसी मासूम की जान इसी तरह ली हो। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। बहुत चोटें आई हैं ना? पानी मिलेगा? पानी? ऑफ कोर्स। अरे आपके लिए तो बहुत पानी है, हम तो ये कहेंगे हजूर कि पीजिए, जी भर के पीजिए। ठाकुर साहब, इस बार तो हमने आपको आपके दुश्मनों से बचा लिया, लेकिन आइंदा जरा होशियार रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। आई मीन यू माइट लूज योर लाइफ। थैंक यू। चलिए हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। मार्केट में जितना माल है सब खरीद लो, जिस भाव में मिलता है सब ले लो। क्या हुआ चाचा? जाओ जाकर डॉक्टर को फोन करो। क्या हुआ अंकल? आपकी ऐसी हालत किसने बनाई? ये मैं नहीं जानता मान सिंह के लोग कौन थे, लेकिन बड़े सालिम लोग थे। आज मैं मर जाता अगर राय बहादुर राजदेव सिंह वहां वक्त पर ना पहुंचते। राय बहादुर साहब? उन्होंने ही मेरी जान बचाई है, जिन्हें तुम राजू समझते हो। जाओ उन्हें जाकर मिलो और किसी तरीके से भी उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करो। ऐसे लोगों से बेकार नहीं करते मान सिंह। चलिए आप ऊपर तो चलिए। गुड न्यूज माय बॉय, मान सिंह ने अपना सारा सरमाया
प्रॉफिट के साथ मार्केट में फेंक दिया। तो सोचते क्या है दादाजी, सारा कॉटन बाजार में ले आइए, गिरा दीजिए उसका भाव, छीन लीजिए एक एक पाई, कर दीजिए कंगाल उसे, मैं आसमान से जमीन पर उसे गिरता हुआ देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा, 5 बजे बाजार में कॉटन का भाव खुलेगा और उसके साथ ही तुम्हारे और मेरे सीने में लगी इंतकाम की आग ठंडी हो जाएगी। तीन घंटे का इंतजार और। ठाकुर साहब, राय बहादुर इस वक्त मसरूफ है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हमें किसी भी सूरत में उनसे मुलाकात करनी है, हम इंतजार करेंगे। बेहतर बेहतर, तो आपके लिए मैं क्या भेजूं? चाय, कॉफी, जिन, विस्की, वोडका? विस्की विद सोडा विल डू। वेरी गुड, एक विस्की की बोतल सोडा के साथ। आप तशरीफ रखिए ना, मैं ऊपर होकर आता हूँ। मुबारक हो सरकार, मानना पड़ेगा आप गजब के खिलाड़ी, आपकी हर चाल सीधी पड़ रही है। ठाकुर मान सिंह आपसे मिलने के लिए खुद ब खुद चले आए। सच? यस। Oh, I see. तो क्या मैं उन्हें ऊपर भेज दूं? नहीं नहीं नहीं, उन्हें कहो कि वो इंतजार करें, और अगर कुछ पूछें जी तो कहना हम कुछ ज्यादा ही मसरूफ हैं। समझ गया सरकार। ठाकुर साहब, आप परेशान हो रहे होंगे, लेकिन क्या करें, राय बहादुर कुछ ज्यादा ही मसरूफ हैं। आप यहाँ परेशान, वो वहां मसरूफ, और बीच वाला तो सैंडविच हो गया। ठीक है, थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, आपके लिए एक और बोतल विस्की की भेजूं? नहीं, अच्छा सर, सर उनकी विस्की की बोतल पूरी खत्म हो चुकी है, परेशानी का पारा 110 तक पहुंच चुका है, और सब्र का पैमाना छलकने वाला है। छलकने वाला नहीं, खाली होने वाला है। कितने बजे हैं? अजी 4:45। थोड़ी देर बाद उन्हें बिलियर्ड रूम में ले आइएगा। बेहतर। आज मैं अपनी आंखों से उसे बर्बाद होते हुए देखूंगा। ठाकुर साहब, आपका दिल बहलाने के लिए मुबारक अली एक शेर। बंद करो ये बकवास, 3 घंटे का इंतजार कोई कम इंतजार नहीं होता, हम जा रहे हैं। हुजूर, लेकिन मैं तो आपको लेने के लिए आया हूँ। ठाकुर साहब चलिए ना, राय बहादुर आपके मुंतजिर हैं। आइए आइए प्लीज। आइए ठाकुर साहब, आइए आइए। ठाकुर मान सिंह, हम माफी चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। जी कहिए, कैसे आना हुआ? आप हमसे नाराज होकर चले आए थे, इसलिए हमने सोचा कि उस बदतमीजी को तो हम कब का भूल चुके हैं। मुबारक अली जी, आपने इनकी कुछ खातिरदारी नहीं की। नो थैंक यू, मैं विस्की पी चुका हूँ। हाँ लीजिए। मुबारक अली जी, मैं बनाता। शौक फरमाइएगा। आई डोंट माइंड। बिलियर्ड्स या स्नूकर? आई प्रेफर स्नूकर। माकर स्नूकर लगा। उस दिन आपके घर पर भी सुना और इलाके वालों से भी पता चला कि हमारी शक्ल का एक साइज आपके घर पे काम करता था, उसने ऐसी कौन सी गुस्ताखी की कि आपने उसका कत्ल करवा दिया? ये झूठ है। तो सच क्या है? हमने उसे सिर्फ हवेली से निकाल दिया था। क्यों? वो चोर था। क्या चुराया था उसने? वो शायद आपकी बहन का दिल चुराया होगा। वो सब अफवाहें थी। आग के बिना धुआं नहीं होता, देयर इज नेवर स्मोक विदाउट फायर। हेलो, व्हाट? सच? मुबारक अली जी। हुजूर, हमारा अंदाजा सही निकला, इसे कहते हैं ब्रेन वेव। क्या हुआ हुजूर? एक ही दिन में हमारा 2 करोड़ का फायदा हो गया। वो कैसे हुजूर? कल हमने सारा कॉटन अपना बेच दिया था और आज कॉटन का भाव रॉटन हो गया, क्रैश्ड, गिर गया। हुँ।
क्या हुआ ठाकुर? कॉटन खरीदा था? सारी रकम लगा दी थी, हम तो बर्बाद हो गए। ओ के साथ चलते हुए ऐसे लगता है कि रास्ता कभी खत्म ना हो। देखिए आप ऐसी बातें करेंगे तो हम कोई शरारत कर बैठेंगे। कैसी शरारत? जो कई लड़कियों ने आपसे की होगी, दिल देने की शरारत। ओह, ऐसे मौके पर लेकिन हम मैदान छोड़ के भाग जाया करते हैं और लड़कियां हमें ढूंढती रह जाती हैं। हमें बनाइए मत, कोई तो लड़की होगी जो आपकी जिंदगी में आई होगी। थी एक ऐसी लड़की, क्या बताएं उसके बारे में, इतनी खूबसूरत थी कि कमबख्त ने हमारी जान ही ले ली। लेकिन एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, उसके पास आप जैसा खूबसूरत दिल नहीं था। हमारे दिल की इतनी तारीफ मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि खुशी के मारे इसकी धड़कन ही रुक जाए, फिर हमें आपका ये साथ कैसे नसीब होगा। आप तो शायरी करने लगी। जिस दिन से आपने हमें फूल भेजे हमने शायरी शुरू कर दी। हम फूल भेजते रहेंगे, हम शायरी करते रहेंगे, हम ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होने देंगे। चले अब ठाकुर मान सिंह को मिलने की रस्म पूरी कर ली जाए। नहीं 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 नहीं, प्लीज बी सीटेड ठाकुर साहब, प्लीज बैठिए। सोनिया ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सोचा आपसे मिलते चलें। आपकी जिंदगी हमें बहुत प्यारी है, देखो ना अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा कर्जा कौन देगा। राय बहादुर, हमें सचमुच बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, हम कुछ टूट से गए। वो इंसान ही क्या जो टूटे नहीं जनाब, हमें भी जिंदगी में कई बार सदमे बर्दाश्त करने पड़े हैं। एक बार तो समझ लीजिए कि हम खत्म ही हो गए थे, लेकिन ये जो ऊपर वाला है ना, बड़ा कारसाज है, सारा हिसाब यहीं पर बराबर कर देता है। इस नुकसान ने हमें बर्बाद कर दिया है, अब इस हवेली के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं। समझ में नहीं आता इतना कर्जा कैसे उतारेंगे। हमें ना, जमाना अभी तक हमें खत्म नहीं कर सका। ठाकुर मान सिंह, हम देंगे तुम्हें रुपया, जितना चाहोगे उतना देंगे, यह हवेली हमारे नाम कर दो। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये घर हमारी इज्जत है। आपकी मर्जी, सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो इस घर की इज्जत सरे बाजार नीलाम हो जाए और ठाकुर मान सिंह का मान सम्मान मट्टी में मिल जाए। खैर आपकी अपनी बात है, आप जानो। जिस वजह से हम आए थे वो वजह यह है कि कल हमारी सालगिरह है, आप जरूर आइएगा, आप भी प्रताप सिंह जी। जरूर, थैंक यू। और सोनिया को तो इनवाइट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सोनिया तो हमारी, हमारा मतलब है इनका अपना ही घर है। चलते हम। चलिए हम आपको सी ऑफ कराते हैं। चलिए। चाचा, राय बहादुर की तरफ सोनिया का झुकाव देखा आपने? हाँ देख रहा हूँ, बर्बादी पे बर्बादी के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन ये आखिरी मौका है मान सिंह। हो सकता है राय बहादुर के इस कर्ज से हम अपनी खोई इज्जत को वापस ला सकें। मेरी राय यह है कि तुम इस हवेली को इनके पास के लिए रख दो, वरना ये लड़की भी जाएगी और इज्जत भी। बाय बाय। बाय बाय, कम अगेन। Excuse me, माफ कीजिएगा आपको, हम दावत देना भूल गए, कल हमारी सालगिरह जरूर आइएगा।
अगर आप नहीं आई तो हम ये समझेंगे कि हमारे हम शक्ल साइज और आपकी प्यार भरी कहानियां जो हम सुन चुके हैं वो सच हैं और आपको हम में उसकी शक्ल नजर आती है। जरूर आइएगा, हम इंतजार करेंगे। आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए। कितनी खामोशी है यहाँ, लगता है हम किसी खुशी के मौके पर नहीं बल्कि शोक मनाने आए हैं। बिल्कुल ठीक, आज का दिन शोक मनाने का ही तो है। देखिए ना, हमारी जिंदगी का एक साल और कम हो गया, लेकिन खुशी इस बात की हो रही है कि आप सब हमारे साथ हैं। वेलकम टू द पार्टी। हम सब तो आ गए हैं मगर आपके बाकी मेहमान नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी मेहमान? कौन से मेहमान? ठाकुर साहब, आप तो जानते हैं कि हम तो जरा बच के चलने वालों में से हैं, इसलिए हमने दावत ही उन लोगों को दी है जो हमारे बहुत करीब हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं। हैप्पी बर्थडे राय बहादुर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेनी हैप्पी रिटर्न्स। थैंक यू वेरी मच। मुबारक। अले जी हुजूर। ब्यूटीफुल, इस दिल पर छुरी चलाते हुए आपका दिल नहीं कांपेगा? दुनिया तो सीने में धड़कते हुए दिलों पर छुरियां चलाती है। हमने अगर एक बेजान चीज पर छुरी चला दी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? क्यों पूनम जी? इस दिल के टुकड़े को चखेगा नहीं पूनम जी? आपकी पार्टी तो बहुत बोर है राय बहादुर साहब, ना कोई साज ना आवाज। आप शायद नहीं जानती, हमारे राय बहादुर साहब बहुत अच्छा गाते हैं। वंडरफुल। हाँ, अगर कोई साथ दे तो। ऐसी बात है तो हम आपका साथ ये देते हैं। इतना खूबसूरत साथ तो किसी किसी को नसीब होता है। आज तो बैर सही, प्यार से बैर सही। हाँ, आज तो बैर सही, प्यार से बैर सही। तेरी आंखों में कोई प्यार का पैगाम नहीं, तुझको अपनाना बनाया तो मेरा नाम नहीं, तुझको अपनाना बनाया तो मेरा नाम नहीं। आज तू गैर सही, प्यार से बैर सही। तेरी आंखों में कोई प्यार का पैगाम नहीं, तुझको अपनाना बनाया तो मेरा नाम नहीं, तुझको अपनाना बनाया तो मेरा नाम नहीं। किसी की खातिर आज उस दिल में बगावत के सिवा कुछ भी नहीं, जिनमें सपने थे तेरे प्यार के है जाने बफा, आज उन आंखों में नफरत के सिवा कुछ भी नहीं। प्यार की आग में संग दिल में जला हूं जितना, तुझको उतना ना जलाया तो मेरा नाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं।
सारी दुनिया में फकत तुझसे मोहब्बत की है। तू किसी और की हो जाए ये मुमकिन ही नहीं। नाम तेरा ही मेरे नाम के साथ आएगा। तू किसी और की कहलाए ये मुमकिन ही नहीं। नाज है तुझको, नाज है तुझको बहुत हुस्न पे अपने, लेकिन तेरे सर को ना झुकाया तो मेरा नाम नहीं। तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। मेरे प्यार का टीका होगा, जुल्फ तेरी मेरे शानों पे लहराएगी। है यकीन मुझको कि मगरूर जवानी तेरी, मोम बन के मेरी बाहों में सिमट आएगी। संग मरमर से हंसी, संग मरमर से हंसी तेरे बदन पे संग दिल। लाल जोड़ा ना सजाया तो मेरा नाम नहीं। तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। आज तू खैर सही हाँ प्यार से बैर सही, तेरी आँखों में कोई प्यार का पैगाम नहीं। तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। मुबारक हो ठाकुर साहब, मुबारक अली के मुबारक हाथों से ये 50 लाख का चेक कबूल कीजिए। पहले आपको इन डॉक्यूमेंट पे साइन करना होगा। बहुत ही वफादार कारिंदे नजर आते हैं आप। हुजूर, सौदा तो आपका और राय बहादुर साहब का हो रहा है। हम तो ठहरे बीच के आदमी, हम तो दोनों तरफ का फायदा देकर अपना फायदा करते हैं। वैसे राय बहादुर साहब ने ये कहा है कि आप उन पर 100% भरोसा रखिए। वो आपकी हवेली सिर्फ इसलिए गिरवी रखना चाहते हैं कि आप मजबूर होकर कहीं किसी गैर के साथ ये सौदा न कर ले। अच्छा? और फिर ये हवेली उनके पास रही तो यूं समझिए कि आप ही के पास है। लास्ट पेज पे साइन कीजिएगा। जी जी, एक और यहाँ जी। इस वक्त आपके राय बहादुर साहब कहाँ हैं? जी वो अस्तबल गए। अस्तबल? जी जी, अभी अभी घुड़सवारी का नया नया शौक पैदा हुआ है उनको। वैसे घुड़सवारी के बारे में जानते कुछ नहीं है, घोड़े की दुम किस तरफ है, घोड़े का सर किस तरफ है। लेकिन रईस आदमी ठहरे ना और हम ठहरे बीच के आदमी, उनको घोड़ा चाहिए था, कल ही दिलवा दिया 1 लाख रुपए का। अच्छा, तो फिर हम भी उस घोड़े को देख आते हैं जी, और इस चेक के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। समझ गया, चलिए चलिए चलिए। हुजूर, ठाकुर मान सिंह। ठाकुर, चेक मिल गया ना? जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। मुबारक अली ने बताया कि आपने एक कीमती घोड़ा खरीदा है, वाकई बहुत ही शानदार है। मगर इससे भी अच्छी नस्ल का एक घोड़ा हमारे पास भी है। हुजूर, नस्ल से क्या होता है, घोड़े का काम है दौड़ना, जो सबसे तेज दौड़े उसी की नस्ल ऊंची। अगर आपको एतराज ना हो तो मुकाबला हो जाए दोनों घोड़ों में। मुकाबला सवारों में होता है मुबारक अली, घोड़े तो हाथ के हथियार होते हैं।
ठाकुर साहब, अगर आप चाहते हैं तो जिंदगी में पहली बार आपके साथ गुरुद्वार का मुकाबला करके देखते हैं। पहली बार, और वो भी हमसे। जनाब, पैदा होने के बाद जमीन पर पांव रखने से पहले घोड़े की पीठ पर पांव रखा था हमने। मुकाबला करने का मजा इसी में है कि सामने वाला अपने से बढ़कर हो। लेकिन एक बात है ठाकुर, हमें कमजोरी है, बिना शर्त के हम कोई खेल नहीं खेलते। हम आपको मायूस नहीं करेंगे, कहिए शर्त क्या है। जो आप चाहें। जी नहीं, जो आप कहें। तो एक काम करते हैं ठाकुर, जीतने वाला हारने वाले से कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी छीन सकता है। कुछ भी? जी हाँ, कुछ भी। कहिए मंजूर है। हुजूर, आप ये क्या कर रहे हैं, आप ही शर्त हार जाएंगे। मुबारक अली, तुम तो जानते हो कि हमारे मुंह से निकली हुई बात हम कभी वापस नहीं लेते। आपके मुंह से निकली हुई बात को हम शर्मिंदा होने का मौका नहीं देंगे। हम भी मौके का इंतजार करेंगे। रेस कल यहीं से शुरू होगी। एक विस्की हमारे लिए भी चाचा। क्या बात है बरकुरदार, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है, अब आप अपने भतीजे का कमाल देखेंगे। क्यों, कोई खोया हुआ खजाना मिल गया है क्या? यूं समझ लो कि खोई हुई दौलत हाथ लग गई। राय बहादुर राजदेव सिंह और हमारे बीच कल घुड़सवारी का मुकाबला होने वाला है। जो जीतेगा वो हारने वाले से कुछ भी छीन लेगा। अच्छा, और आप तो जानते हैं कि घुड़सवारी का जहां तक ताल्लुक है, हमारा मुकाबला करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। तरीके शक, इसमें कोई शक नहीं। मेरे कर्जों के तमाम कागजात कल तक मेरे कब्जे में होंगे, ये गिरवी पड़ा हुआ महल फिर से आजादी की सांस लेगा। बस सर, और अब थोड़ी सी ताकत लगाइए सर। जी थोड़ा सा, बस बस थोड़ी। अरे अरे, सॉरी सर, सॉरी। मुबारक अली जी, सर हाथ दो। हाजिर सर। सर आइए। एक बार और चलिए, यहाँ पैर रखिए। चलिए लगाइए ताकत, उठाइए दूसरा पैर, दूसरा पैर उठाइए ना। अरे उठाइए। अरे अरे, ओ बाप रे, दोनों पैरों से चलिए सर। घोड़े पे चढ़ना नहीं आता और मुकाबला करने निकले हैं। देखिए ठाकुर साहब, घोड़े पे चढ़ना तो आता नहीं है और जीतने की ठान ली है। देखो, बात मुकाबले की है, हार या जीत की नहीं। एक बार आप हमें घोड़े पे चढ़ाइए तो सही। हुजूर, इतनी बार चढ़ाया, आप हार कबूल क्यों नहीं कर लेते? इस तरह हार मानना हमारे शान के खिलाफ है। क्यों ठाकुर साहब? आप ठीक कह रहे हैं, और बगैर मुकाबले के जीतना तो हमारे शान के भी खिलाफ है। आइए हम आपको बिठाते हैं। लीजिए। अरे ठाकुर साहब, ऐसे तो मैं इनको 6 दफा चढ़ा चुका हूँ, 6 दफा ये गिर चुके हैं। इनको पीठ देकर तो मैं चढ़ा नहीं सकता, कि मेरे पीठ में स्लिप डिस्क की बीमारी है। अगर आप बुरा ना माने और आप। कोई बात नहीं, हम इन्हें चढ़ा देते। थैंक यू। आइए जनाब। रखिए पांव। काफी भारी है आपका पांव। अपनी पीठ पर दूसरे के पांव हमेशा भारी ही लगा करते हैं ठाकुर साहब। चलिए रेस शुरू करते हैं। बैठिए। हाँ, आप दोनों ध्यान से सुन लीजिए। यहां से 5 मील दूर लकी पॉइंट पर ऐसे ही झंडे लगे हुए हैं, वो रेस का फिनिश पॉइंट है। तो गेट सेट, लगा में पकड़ लीजिए। 1 2 3
बेईमान। ठाकुर मान सिंह, ऊंचे खानदान के दावेदार, तू कितने छोटे दिल का आदमी है। देख, आज तेरी लगाम हमारे हाथ में है। ठाकुर, आज खुद ही देख ले, अपने बराबर के आदमी से हार कर तेरा क्या हाल हुआ है। शर्त जीतने के बदले में अगर हम चाहें तो तेरे कपड़े भी उतरवा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तेरा लिहाज करते हैं, तुझे छोड़ते हैं, क्योंकि इस वक्त तुम पर एक चाबुक का तोड़ना ही काफी है। थोड़ा सा हिसाब बाकी रखते हैं, सीने में थोड़ी आग लगी रहे तो अच्छा है। अरे तुम यहां हो अभी, मैं कब से तुम्हें रेस जीतने की खुशखबर। ये क्या हुआ? मैं रेस हार गया चाचा। रेस जीत कर उसने अपना पिछला सारा हिसाब चुकता कर दिया। वो राजू है। ओहो, फिर से तुमने राजू राजू की रट लगानी शुरू कर दी। हा? मैं शुरू से ही उसकी आंखों में नफरत और इंतकाम की आग देख रहा हूं। आज उसने मेरा सारा गुरूर खाक में मिला दिया और खानदानी वकार का खमंड छीन कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने वो हजारों चाबुक पूरी ताकत के साथ मुझे वापस कर दिए जो मैं परसों से उसके जिस्म पर बरसाता रहा। उसने मेरे पीछे खूंखार कुत्ते लगा दिए जो मेरे जिस्म से गोश्त नोच कर ले गए। अब भी आप कहते हैं कि वो राजू नहीं है? है, यकीनन वो राजू है, और कोई नहीं हो सकता। अगर वो राजू है तो तुम्हें याद होगा मान सिंह कि मैंने उसकी पीठ पर वो गुलामी की मोहर लगाई थी और वो निशान जिंदगी पर नहीं मिट सकता। अगर वो राजू है तो वो निशान अब भी उसकी पीठ पर मौजूद होगा।
उसकी शिनाख्त करना बहुत जरूरी है मान सिंह। अगर ये साबित हो गया कि वह राजू ही है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और कुत्ते जो उसके पीछे तुम राय बहादुर नहीं राजू हो। मैं तुम्हारी पीठ पर गुलामी का वो निशान देखना चाहता हूं जो मैंने खुद अपने हाथों से लगाया था। गोया तुम अपने जुल्म का वो शानदार कारनामा देखना चाहते हो जिस पर इंसानियत का सर भी शर्म से झुक जाता है। लेकिन एक बात मत भूलो, जिस तरह बेखटके तुम इस चार दीवारी में आए हो वहां से बाहर जाना तुम्हारे नहीं हमारे इख्तियार में है। मतलब? जरा घूम के देखो। ठाकुर प्रताप सिंह, हम तुम्हारी इस गुस्ताखी को फिर भी माफ किए देते हैं। हमारे खानदानी रिवायत के मुताबिक हमारे दरवाजे पर आए हुए मेहमान को हम मायूस नहीं करते। मुबारक अली। जी हुजूर। अब बोलो ठाकुर प्रताप सिंह, हम राजू हैं या I'm very sorry राय बहादुर साहब, वेरी सॉरी। ठाकुर प्रताप सिंह, तुम कत्ल करने के मामले में बिल्कुल अन्नाड़ी हो। देखो ना, आज तुम हमारा कत्ल करने आए हमारे ही घर में हमारे ही लोगों के सामने, और आज से कई साल पहले भी जब तुमने अपने बड़े भाई साहब ठाकुर विक्रम सिंह का कत्ल किया तब भी चश्मदीद गवाह छोड़ दिए थे तुमने। ये झूठ है, सरासर झूठ है। क्या सबूत था तुम्हारे पास? सबूत जानना चाहते हो? जानना चाहते हो कि कौन कौन चश्मदीद गवाह थे? पहला चश्मदीद गवाह राजू, जिसे तुमने मरवा दिया। दूसरा चश्मदीद गवाह उस घर का पुराना साइज खान बाबा जो अब हमारा मुलाजिम है। क्या क्या जानना चाहते हो बताऊं? उस दिन भी तुमने ऐसा ही काला लिबास पहना हुआ था। बड़े ठाकुर के आने से पहले तुमने उनकी बंदूक से गोलियां निकाल दी। तुम अच्छी तरह जानते थे कि बड़े ठाकुर दिल के मरीज हैं। तुमने बीमारी का फायदा उठाकर उनके गर्दन पर तकिया रख दिया और इतनी जोर से दबाया, इतनी जोर से दबाया कि उनका दम टूट गया। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं। प्रताप सिंह, जब ठाकुर मान सिंह को इस राज का पता चलेगा वो तुमसे बदला लिए बगैर चैन से नहीं जिएगा। अगर उसके रगों में उसके बाप का खून दौड़ रहा है तो। लेकिन मुझे शक है क्योंकि इतने साल भी तुम्हारे साथ रहने के बावजूद वो अपने बाप के कातिल को पहचान ना सका। राय बहादुर साहब, मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूं। मान सिंह को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। हम नहीं बताएंगे, तुम जा सकते हो। शुक्रिया। मुबारक अली। हुजूर। इसे निकाल दो, हमारा मकसद पूरा हो गया। मानसिक, तुम यहां? अरे मैंने देख लिया है, उसकी पीठ पर कोई निशान निशान नहीं है। वो राजू नहीं है, राय बहादुर है। हाँ, चलो। ये जीप तुमने यहां क्यों रोक दी? ये जो सामने रास्ता जाता है वो मौत की तरफ जाता है और वहां तुम्हें अकेले जाना है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मान सिंह? मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मेरे रगों में अपने बाप का खून है जिनका तुमने सालों पहले कत्ल कर दिया था। मान सिंह, और तुम्हारे रगों में जो खून बह रहा है उसमें गद्दारी और एहसान फरामोशी के सिवा कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम्हारे बाप को तो मैंने दौलत पाने के लिए मारा था, लेकिन तुम्हें मैं इस राज को राज रखने के लिए मारूंगा। We'll be right back.
तुम्हारे जुल्म और मकारी की कहानी आज तुम्हारे खून से इन चट्टानों पर लिखी जाएगी। भागो। नहीं, आखिर तुम्हारा अपना खून हूं। मुझे बताओ, मैं तुम्हारा अपना खून हूं। नहीं मानती। ठाकुर मान सिंह, ये सब क्या है? दिल पे पत्थर रखे आया हूँ हुजूर, और बड़ी झिझक के साथ अर्ज करना पड़ता है कि आप अपने पुरखों के खून पसीने से बनाई हुई इस शानदार हवेली को आखिरी नजर कर लें। क्या कह रहे हो तुम? जी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये कहेंगे। ये हम कोर्ट से ऑर्डर लाए हैं, इन कागजात की रोशनी में ये हवेली राय बहादुर राजदेव सिंह की मिल्कियत है। आपको ये हवेली अभी और इसी वक्त खाली करनी पड़ेगी। राय बहादुर ने हमें यकीन दिलाया था कि जब तक चाहे हम इस हवेली में रह सकते हैं, फिर ये धोखा क्यों? हुजूर, बड़े आदमियों की बड़ी बातें, हम तो ठहरे बीच के आदमी, जहां से ज्यादा कमीशन मिल गया उसी का हुकुम बजा लाए। क्योंकि आपके साथ मुझे हमदर्दी है, इसलिए बिना कमीशन लिए मुफ्त का मशवरा देता हूँ। आप फौरन इस हवेली को खाली कर दीजिए। अगर हम खाली न करें तो हमें मजबूरन जबरदस्ती करनी पड़ेगी और आपको इन्हीं कपड़ों में बाहर फेंक दिया जाए। इस हवेली से मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता है, समझाए? हट जाओ। हमारे सर पर मौत मंडरा रही है। अगर आप मुझे मारेंगे तो आपको हवेली नहीं दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा, फांसी के तख्ते पे। मक्कार कमीने, हम तुझे जानते हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम आपसे वादा करते हैं कल सुबह तक आपको ये घर खाली मिलेगा, बस इतनी सी मोहलत दे दें। ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो। चलिए हम ठाकुर युवराज सिंह के घर से आए, उन्होंने कहा है कि वो आपके घराने में शादी करना नहीं चाहते, उनकी तरफ से मंगनी टूट गई, शगुन में दी हुई ये सब चीजें उन्होंने वापस लौटा दी। रख दो। मैंने इंतकाम ले लिया है पूनम, तुमसे, तुम्हारे खानदान से। लेकिन मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार आज भी तुम्हारे दिल में जिंदा है। तुम चाहो भी तो उस मोहब्बत को नहीं मिटा सकते, नहीं मिटा सकते, नहीं मिटा सकते। नहीं। आप कहिए, आज आने की तकलीफ कैसे गवा रखी? हम तुमसे ये कहने आए हैं कि अब हमारे खानदान को और जलील मत करो, बहुत हो चुका, अब तो हमारी मंगनी भी टूट चुकी है। जहाँ कस्में टूट जाती हैं, जहाँ वादे टूट जाते हैं, जहाँ दिल टूट जाते हैं, वहाँ एक मंगनी टूट गई तो इतना दुख क्यों? दुख मंगनी टूटने का नहीं, खानदान की इज्जत का है। सबको बेघर करके तुम्हारा इंतकाम उस घर को बर्बाद कर देगा जिस घर ने चंद दिन ही सही तुम्हें खुशियां भी दी, इज्जत भी दी, प्यार भी दिया। उस प्यार के सदके में मेरे भाई को माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ राजू। राजू,
कौन राजू? हम किसी राजू को नहीं जानते। हमारा नाम राय बहादुर राजदेव सिंह है। नाम बदलने से चेहरा नहीं बदल जाता। आंखें जो बोलती हैं उसे जबान झूठा साबित नहीं कर सकती। क्या बचपन के वो सारे खेल झूठ थे? अपनी जान पर खेल के हमें घोड़े से बचा लेना झूठ था? सांप का जहर चूस लेना झूठ था? क्या वो भी झूठ था जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम आसमान पर चमकता हुआ सितारा और मैं गंदी नाली का कीड़ा हूँ? क्या वो सवाल भी झूठ था कि मेरी औकात क्या है, मेरी जात क्या है, मेरे माँ बाप कौन थे? अगर ये सब झूठ है तो फिर तुम्हारे गरूर ने मेरी जिंदगी के टुकड़े टुकड़े क्यों कर दिए? तुमने सिर्फ अपनी मौत देखी है राजू, मगर हम हर रोज हर पल जितनी मौतें मरे हैं वो तुम नहीं देख सके। ये एक और झूठ है। नहीं, ये सच है। तुम हकीकत देखना चाहते हो ना? लो देखो, गौर से देखो। ये सब क्या है? ये उन जख्मों के निशान हैं जो तुम्हें याद रखने की सजा में मिले। जब जब हमारे मुंह से तुम्हारा नाम निकला तो ये फूल हम पे बरसाए गए और हमने इन्हें संभाल के रख लिया। तुम्हें क्या पता राय बहादुर राजदेव सिंह के राजू को बचाने के लिए हमें कितनी बार मरना पड़ा? हम बेवफा नहीं राजू, हम बेवफा नहीं। कभी तुमने कहा था, आज हम कहते हैं, हमारे दिल में इतना खून नहीं जितना तुम्हारे लिए प्यार। झूठे राय बहादुर और राजू एक नहीं हो सकते। नहीं, वो राजू ही है। हम यकीन नहीं करते। राजू मर चुका है, मर चुका है। राजू मरा नहीं है मान सिंह, ये तुम्हारी भूल है। राजू अभी जिंदा है। राजू? हाँ, मैं वही राजू हूं जिसे तुम्हारे जुल्म और नफरतों ने आज मुझे राय बहादुर राजदेव सिंह बना दिया है। गौर से देख मान सिंह, शायद इस चेहरे पर तुम्हारे जुल्म की परछाइयां नजर आए। गौर से देख मुझे। मान सिंह, तू खानदानी गरूर और दौलत के नशे में उस ताकत को भूल बैठा था जो पल में गरीब को अमीर और अमीर को भिखारी बना देता है। शायद भगवान ने इसलिए मुझे वो दौलत दी ताकि तेरे गरूर को और तुझे आईना दिखा सकूं। मान सिंह, जिस दौलत के नशे में तू इस गरीब राजू पर जुल्म ढाता रहा, जिस दौलत के नशे में तूने अपनी बहन को भी नहीं बख्शा, आज वो दौलत तेरा साथ छोड़ चुकी है। तेरी शान शौकत, तेरा गरूर, तेरी दौलत आज एक ऐसे आदमी के कब्जे में है जिसे तू कल तक नफरत से राजू कहता था और आज इज्जत से राय बहादुर राजदेव सिंह कहता है। हाँ, राय बहादुर राजदेव सिंह कहता है। वो चाहे तो तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल सकता है, लेकिन राजू ऐसा नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारी नफरतों के साथ साथ वो एहसान भी याद हैं जो बड़े ठाकुर ने मुझ पर किए हैं। मैं दौलत पाकर भी कुछ नहीं भूला हूं। मुझे गुर्बत का एक एक लम्हा, एक एक आंसू, प्यार का एक एक पल और तुम्हारा दिया हुआ एक एक जख्म याद है। सब कुछ याद है। मैं तुझे खत्म नहीं करूंगा, तू जिएगा लेकिन एक जिंदा लाश की तरह। लोग तुझे ठाकुर साहब कहेंगे लेकिन तेरी आत्मा, तेरा जमीर तुझे एक भिखारी कहेगा। ठाकुर मान सिंह, तुम्हारे जुल्म और बेहिसाब नफरतों के बदले राजू तुम्हारी बेइंसाफी और जातियों को माफ करता है। तुम्हें दौलत से बहुत प्यार है ना? मैं उस महान आत्मा बड़े ठाकुर साहब के प्यार के सदके तुम्हें यह दौलत भी वापिस करता हूं। ये लो, ये ले।
और दफना ले अपने आप को इस दौलत में जो तेरी जिंदगी है। इस घर पर उस बड़े आदमी का नाम लिखा है जो तेरा बाप था, जिसकी मैं पूजा करता हूं। हो सके तो इस घर की इज्जत को बनाए रखना। भैया क्या हो? भैया पूनम अपने भाई की फिक्र ना करो, जाओ जाकर राजू को रोको। जो तुम्हारी मोहब्बत है मोहब्बत बिछड़ गई तो शायद इसे दोबारा कभी ना पा सको। जाओ पुनः अपने राजू के पास चली जाओ। Thank you.